हंसते, खिलखिलाते और तंदुरुस्त बच्चे न सिर्फ परिवार की खुशियों की गारंटी हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर ये विकसित और खुशहाल देश की तस्वीर भी बयां करते हैं। लेकिन भारत में ये तस्वीर धुंधली है। शिशुओं, किशोर किशोरियों के साथ गर्भवती वे धात्री महिलाओं का एक बड़ा तबका कुपोषण की चिंताजनक समस्या से ग्रसित है। राह कठिन और मंजिल चुनौतियों से भरी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मंजिल की ओर कदम उठ चुके हैं। नई पीढ़ी में कुपोषण की शुरुआत उनके इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही शुरू हो जाती है। पौष्टिक भोजन की कमी का असर गर्भवती मां और बच्चे दोनों पर होता है। गर्भावस्था से लेकर जन्म के पहले 2 साल किसी भी शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए नाजुक माने जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि अनेक शिशुओं को सर्वाधिक पौष्टिक माने जाने वाला मां का दूध भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। खनिज और विटामिन से भरपूर फल, दालों, हरी सब्जियों और दूध, पनीर जैसे खाद्य पदार्थों की कमी के चलते इनके शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी विटामिन और मिनरल की भारी कमी रहती है। कुपोषण का ये कुचक्र गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं, बच्चों और किशोर किशोरियों में लगातार चलता रहता है। शारीरिक और बौद्धिक विकास की कमी का असर एकाग्रता पर पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है, वे स्कूल से जी चुराते हैं। दूसरी ओर रोगों से लड़ने की ताकत कम होने से बीमार होने की संभावना रहती है। 14 देशों में 16 कार्यक्रम संचालित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन यानी गेन ने राजस्थान में कुपोषण को कम करने के लिए फोर्टिफाइड आहार स्वास्थ्य का आधार मूल मंत्र के साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्ट्रेटजी फूड फोर्टिफिकेशन परियोजना का आगाज किया है। कुपोषण के निवारण के लिए सकारात्मक सोच वाले प्रदेश राजस्थान में गेन ने इसी नजरिए को बदलने की शुरुआत की है। हमने राजस्थान को इसलिए चुना क्योंकि राजस्थान में पहली बात तो एक बहुत गुड गवर्नेंस है, जहाँ पे यदि कोई प्रोग्राम किया जाए तो उसको स्केल अप करना या उसको बड़े पैमाने तक ले जाना बहुत अच्छे तरीके से संभव है। गेन ने प्रबंधन में निपुण और ग्रामीण अंचल में गहरी पैठ रखने वाली संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी IIHMR यूनिवर्सिटी को अपना सहयोगी बनाया और विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से ग्रसित ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाने के लिए जाना माना, प्रमाणिक और किफायती तरीका अपनाया फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन यानी आमतौर पर रोजाना इस्तेमाल आने वाले खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्वों का मिलाना। राजस्थान में ये पाया गया कि फल और हरी सब्जियां भोजन का हिस्सा नहीं बन पाते, लेकिन पूरे देश की तुलना में गेहूं, खाद्य तेल और दूध की खपत कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए राजस्थान में फूड फोर्टिफिकेशन के लिए गेहूं के आटे, खाद्य तेल और दूध को चुना गया। हमने दूध को फोर्टिफाई करने का प्रोग्राम बनाया है विटामिन ए और डी से। तो गेन के फंडिंग से, गेन के पैसे से हमने इनसे बात की, डेयरी फेडरेशन वालों को हमने प्री मिक्स सप्लाई किया, उनको ट्रेनिंग दी, फूड सिक्योरिटी वालों से उसका परमिशन लिया, जो खाने के काम में जो तेल आता है उसको फोर्टिफिकेशन का हमने काम शुरू किया। तो वो भी प्राइवेट जो तेल की कंपनी थी बड़ी और छोटी सभी से हमने बातचीत की, उसके बाद वो जब राजी हुए तो हमने उनको भी विटामिन ए और डी से फोर्टिफाई किया। इसका फायदा ये है कि बहुत लार्ज स्केल पर इन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं उनको घटाया जा सकता है और जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम होती है। तेल हमारे खाने का अभिन्न अंग है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक
फोर्टिफाइड तेल का फायदा पहुंचाने के लिए गेन ने व्यावसायिक तेल मिलों को विटामिन ए और डी जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का मिश्रण मुहैया करवाया। फोर्टिफाइड तेल में बनी सभी खाद्य सामग्रियों के जरिए शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्व पहुंचने शुरू हुए। तंदुरुस्ती की कल्पना दूध के बिना की ही नहीं जा सकती। खाने में फल या हरी सब्जियां ना भी मिल सकें, फिर भी कम ही सही दूध को हम शामिल करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। स्किम्ड, टोन्ड और डबल टोन्ड दूध को विटामिन ए और डी जैसे पौष्टिक सूक्ष्म तत्वों से फोर्टिफाइड करके इसका फायदा बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश की प्रमुख दुग्ध उत्पादक डेयरियों को दूध फोर्टिफिकेशन में गेन ने कारगर सहयोग दिया। ये हमने प्रक्रिया करीब 3 साल पहले चालू की थी और आज तक ये प्रक्रिया चालू है। दूध की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता, उसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता, उसकी कॉस्ट में कुछ खास एग्जॉर्बेंट फर्क नहीं आता। IIHMR से फ्री सपोर्ट हमको दिया गया है। ये एसोसिएशन काफ़ी अच्छा रहा कि जब भी हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ती थी या हमको अपने किसी लोगों को ट्रेन करना पड़ता था तो वो हमारे लिए हमेशा रेडी रहते थे। गेहूं के आटे की रोटी के बिना हमारा भोजन अधूरा ही है। रोटी लगभग सभी तबके के लोग भोजन में लेते हैं। गेन ने बड़े पैमाने पर गेहूं से आटा बनाने वाली चक्कियों को आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का एक खास मिश्रण या प्रीमिक्स और जरूरी संसाधन सुलभ करवाए। हमें IIHMR के द्वारा प्रीमिक्स को मिलाने के लिए मिक्सर जो कि कंप्यूटराइज्ड है वो उपलब्ध कराया गया है। एक मशीन एंट्रोलेटर है जिसके द्वारा आटे की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और वो प्रीमिक्स भी अच्छी तरह मिक्स होकर के पब्लिक के बीच में जाता है। फूड फोर्टिफिकेशन की जो हेल्थ के बेनिफिट्स मिले हैं इसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य में सुधार, हमारे खून में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम थी, हमारे एरिया की जो सबसे बड़ी समस्या है दौसा ज़िले की वो दूर की है और मैं इसके लिए बार बार IIHMR को और गेन को धन्यवाद दूंगा। गेन से हम करीबन 2 या 3 साल से जुड़े हुए हैं और इनका काफ़ी सपोर्ट है हमारे पास। टाइम टू टाइम ये लोग ट्रेनिंग भी देने आते हैं हमारे केमिस्ट को जो कि गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया गया है। प्लस आटे की टेस्टिंग के लिए फ्री किट भी अवेलेबल करा रहे हैं जिससे उसकी गुणवत्ता की जाँच की जा सके और जनता को फोर्टिफाइड आटा अवेलेबल हो सके। छोटे और अंदरूनी इलाकों में अपने गेहूं का आटा पिसवाने का प्रचलन है। ऐसे तबकों को भी फोर्टिफिकेशन का फायदा पहुंचाने के लिए छोटी चक्कियों को शामिल करना जरूरी था। गेन ने उदयपुर जिले के चुनौतीपूर्ण 2 ब्लॉक्स सलुम्बर और सराडा में फोर्टिफिकेशन की प्रायोगिक तौर पर शुरुआत की। कैसे सुटेबल कैंडिडेट्स को ढूंढा जाए, चक्की वाले को ढूंढा जाए, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट काम था और शुरू के मुझे लगता है कि 6 महीने 8 महीने इस प्रोजेक्ट में उस पर हमने काफी मेहनत करी, लोगों को चुना छाटा, उनको ट्रेन किया, कई बार उनको ट्रेनिंग दी गई। बहुत समझाइशों के दौर चले और समाधान भी निकले। एक वर्कशॉप की गई जिसमें ANM आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और चक्की मालिक और उनको ट्रेनिंग दी गई कि ये प्रीमिक्स है, प्रीमिक्स को कैसे डालना और कैसे इसका रख रखाव करना है, तो ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद में प्रीमिक्स आया और सब चक्कियों पर घूम घूम के प्रीमिक्स दिया और उनके फ्लैक्स बोर्ड वो सब लगाए गए। उसके बाद में काम स्टार्ट हुआ, वॉल राइटिंग की गई और गाड़ी लेके माइक से प्रचार किया गया, नुक्कड़ नाटक कठपुतली करके लोगों को प्रचार किया गया। फोर्टिफाइड आहार को लेकर उपजी भ्रांतियों को मेलों के जरिए दूर किया गया। जब मेलों में हमने ये प्रयोग किया था कि एक स्टॉल लगाई और उस पे आटे की रोटियां बनाई और लोगों ने आटे की रोटियों को बड़े चाव से इस्तेमाल किया, लगता है कि जो एक धारणा थी कि पता नहीं कैसा रंग होगा, क्या काला पड़ जाती है रोटी तो इसको ले ना ले, पर जो गुणवत्ता जो इसके साथ जुड़ी हुई है तो लोगों का विचार इस बात को न्यूट्रलाइज कर रहा। किसी भी गांव में ANM की एक अहम भूमिका होती है। गाँव की महिलाएं उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती और मानती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए गेन ने इन्हें अपने कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।
सलुम्बर और सराडा ब्लॉक्स के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को फोर्टिफाइड तेल, आटा और दूध के बारे में समझाया गया, ताकि हमारी नन्ही पीढ़ी को मिलने वाला पोषाहार भी पूरा पौष्टिक हो। ये हम आटा खाते हैं ना, उसके बाद मतलब जो थकावट होती है वो थकावट बहुत कम नाक के बराबर मतलब महसूस होती है। मेरी सिस्टर है उस जो उनके मतलब शरीर में खून की कमी थी, फोर्टिफाइड आटा खाने से उनकी सेहत में बहुत सुधार हुआ है। पहले तो हाथ पग दुखता, पैर दुखता, आलस आती, अब तो ये आटा ये पाउडर न खाओ तो फिर अच्छा लगे, कहीं भी काम करो तो आलस नहीं आवे, गोड़ा नहीं दुखी। ऐसे पिछड़े इलाकों में रहने वाले परिवारों में भी फोर्टिफिकेशन को लेकर आई जागरूकता के पीछे गेन और IIHMR की सूझबूझ भरी और असरदार प्रचार प्रसार की गतिविधियां हैं। अब सुन मेरी बात, ये जो फोर्टिफाइड जो प्रीमिक्स पाउडर है ना, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या देती है अपने शरीर को, बताऊं। कठपुतली ने बताया अच्छी सेहत के लिए फोर्टिफाइड आटा खाना चाहिए। कुपोषण के दुष्प्रभावों और फोर्टिफाइड खाद्य सामग्रियों के उपयोग को लेकर आम जन को प्रोत्साहित करने के लिए नुक्कड़ नाटक, कठपुतली खेल, जनसभाएं, रैली, वॉल पेंटिंग, स्कूलों में ड्राइंग कंपटीशन और फोकस ग्रुप डिस्कशन जैसे संप्रेषण के सभी माध्यमों का भरपूर इस्तेमाल किया गया। प्रचार प्रसार की गतिविधियों के साथ साथ फूड इंस्पेक्टर्स, फील्ड स्टाफ, फोर्टिफिकेशन में सहयोगी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कारगर ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चलाए गए। इसी कड़ी में पार्टनर संस्था के रूप में यहाँ स्कूलों में बनाए जाने वाले मध्याह्न भोजन को और पौष्टिक बनाने के लिए इन कुक्स को ट्रेनिंग दी गई। पौष्टिक आहार मतलब पौष्टिक आटा, पौष्टिक तेल, पौष्टिक दूध, ये सारी चीजें गुणवत्ता वध की तुम काम लेओगे तो ये चीजें आपको प्राप्त होगी, आपको और आपके बच्चों को। बच्चों के स्वास्थ्य संवर्धन में मिड डे मील कार्यक्रम असरदार साबित हो रहा है। यहाँ पर कुछ स्कूलों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। गेन ने ऐसी केंद्रीकृत रसोइयों में दाल के फोर्टिफिकेशन के लिए खास तरीके से तैयार कराई गई पौष्टिकता से भरपूर फोर्टिफाइड सोया दाल एनालॉग भी उपलब्ध कराई है। इससे साधारण दाल में प्रोटीन, आयरन और फॉलिक एसिड की मात्रा में संवर्धि होती है और बच्चों के शारीरिक विकास में मदद मिलती है। IIHMR और गेन के सहयोग के साथ ये जो फूड फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम मिड डे मील क्षेत्र में चला है, एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, क्योंकि हम ज़्यादातर स्कूलों में देखते हैं कि बच्चे स्कूल में आते हैं, पौष्टिकता के में उनकी बहुत कमी होती है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में। ये कार्यक्रम के बाद स्फूर्ति है, उसमें काफ़ी वृद्धि पाई गई है, एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। सभी स्तरों पर किए गए फोर्टिफिकेशन के प्रयासों में गेन ने गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। बड़ी आटा चक्कियों, तेल मिलों और डेयरी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। छोटी चक्कियों से भी आकस्मिक सैंपल्स लेकर प्रमाणिक प्रयोगशालाओं में जांच करवाई जाती है और अगर कोई कमी पाई जाती है तो तुरंत उसे दूर किया जाता है। आटे, तेल और दूध में फोर्टिफिकेशन के साथ मिड डे मील में सहभागिता के परिणाम सामने आने लगे हैं। बच्चों की पढ़ाई में रुचि और खेलकूद में भागीदारी बढ़ी है। स्कूलों में धीरे धीरे बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसमें ज्यादातर गरीब तबके के बच्चे हैं और उनके माता पिता मजदूरी पे जाते हैं, इसलिए उनके बच्चों को जो विद्यालय में मिड डे मील आता है उससे बहुत फायदा है, क्योंकि वो दोपहर का भोजन उनको आसानी से मिल जाता है और इसकी वजह से बच्चों का रुझान भी विद्यालय के प्रति बहुत ज्यादा है। नामांकन में बहुत बढ़ोतरी हुई है विद्यालय में, फिजिकल एक्टिविटीज भी अच्छी हुई है उनकी पहले की बजाय। एक बच्ची है वो पहले बिल्कुल एनेमिक थी, बहुत ज्यादा दिख रहा था साफ साफ, अब उसमें बहुत फर्क है। मैंने वहाँ पूछा उन बच्चों वहाँ अध्यापकों को विशेष करके कि भाई आपके बच्चे जो हैं इतने तंदुरुस्त हैं, इनके लिए विशेष पोषाहार की व्यवस्था की गई है क्या? तो उन अध्यापकों के द्वारा ये मुझे कहा गया कि सर हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है फोर्टिफिकेशन का, उससे इन लोगों के खान पान पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है और खान पान से इनकी तंदुरुस्ती पर, खास करके याददाश्त भी बताया। कुपोषण से लड़ाई दरअसल मिले जुले प्रयासों से ही जीती जा सकती है। जिन लोगों ने इस आहार को ग्रहण नहीं किया, ये आहार को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, उनके कंपेयर में जब हम ये देखते हैं जिन लोगों ने इस आहार को लिया है,
साल भर बाद ये देखा गया कि उनके परिवार में मैंने महिलाओं के अंदर आयरन की कमी कम पाई है, लोगों के अंदर एक्टिवनेस बढ़ी है, बच्चों के अंदर विकास अच्छा हुआ है। और ये देखा गया कि जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर, शारीरिक जो कसरत या एक्सरसाइज या जो खेलकूद करते हैं उसमें उनमें काफ़ी बदलाव आया। राजस्थान में हम लगभग 45 मिलियन लोगों को विटामिन ए और डी का फ़ायदा केवल फोर्टिफाइड तेल से पहुंचा पा रहे हैं। 8 मिलियन लोग हैं जिनको हम दूध से विटामिन ए और डी की भरपाई कर पा रहे हैं। 1 मिलियन लोग हैं जिनको फोर्टिफाइड आटा प्राप्त हो रहा है ओपन मार्केट चैनल से। तो हम ये सोचते हैं ये बहुत अच्छी शुरुआत है। राज्य सरकार ने कुपोषण को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड खाद्य सामग्रियां वितरित करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ऐसे निर्णयों से गेन के प्रयासों को न सिर्फ संबल मिलता है बल्कि कुपोषण पर जीत की उम्मीद भी बुलंद होती है। गेन एवं IHMR के प्रयासों को काफी संस्थाओं ने सराहा है। अनेक राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम को हमारे कार्य क्षेत्र में आके देखा। हमारे कंज्यूमर जो फोर्टिफाइड आटे का इस्तेमाल करते हैं उनसे भी इसके बारे में जानकारी ली और इस मॉडल को समझने की कोशिश करी। उन्होंने भी ये देखा कि इस मॉडल को वो किस तरीके से रेप्लिकेट करें और अपने कार्य क्षेत्र में लगाएं, जिससे कि जो ये कुपोषण की जो समस्या है उससे भी लोगों को निजात पाया जा सके। जैसे जैसे फोर्टिफिकेशन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे एक ऊर्जावान और स्वस्थ भारत की उजली तस्वीर पूरी दुनिया के सामने उभरेगी। कुपोषण पर होगी हमारी जीत और घर घर में स्वास्थ्य से उपजी खुशहाली पूरे देश की तरक्की को नए आयाम देगी।